हेलो दोस्तों, फिर से मैं मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन चेक के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप दो मिनट में अपने मोबाइल से दोस्तों आप चेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और चेक आपके होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, वीडियो के एंड तक देखें दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों दो मिनट में दोस्तों कि आप चेक के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से। दोस्तों तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि मेरे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों तो आपका ज्यादा टाइम नहीं, दोस्तों चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपका SBI में अकाउंट है दोस्तों, तो आप आसानी से यूनो ऐप से दोस्तों ऑनलाइन चेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसे ही दोस्तों अगर किसी और बैंक में आपका अकाउंट है दोस्तों, तो आप वहां से भी उसका ऐप यूज करके दोस्तों आप ऑनलाइन चेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से चेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो मैं दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर SBI में आपका अकाउंट है तो आप यूनो ऐप से कैसे ऑनलाइन चेक के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों तो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप यूनो ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाकर यूनो ऐप को इंस्टॉल करना है। दोस्तों तो मेरे मोबाइल में ऑलरेडी यूनो ऐप इंस्टॉल है। दोस्तों तो सिंपली आप क्या करेंगे, यूनो ऐप को ओपन करेंगे। दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस पर लॉग इन कर लेना है। जब ये ऐप ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। दोस्तों आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पे आपको जाना है, ठीक है। दोस्तों 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है। दोस्तों आप सर्विस रिक्वेस्ट में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि आपके लिए यहाँ पे नीचे भी आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे चेक दिया हुआ है। दोस्तों चेक पे आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखता है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, रिक्वेस्ट चेक बुक, इंक्वायरी स्टॉप चेक, रिवॉक स्टॉप चेक, डिपॉजिट, सारा यहाँ पर डिटेल देता हूँ। आपको चेक के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, तो आप सिंपली क्या करेंगे, रिक्वेस्ट चेक पर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। रिक्वेस्ट चेक पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट अमाउंट सेलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स रिक्वायर्ड आपको यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट करना है कि आपको जो चेक बुक चाहिए दोस्तों कितने पेज का चाहिए, आपको 50 पेज का चाहिए, 100 पेज का चाहिए, 10 पेज का चाहिए। दोस्तों आप चाहते हैं यहाँ पर कोई भी पेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ 50 पेज हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर एग्री डिटेल यहाँ पर आपको एग्री करना है दोस्तों, टिक आउट कर देना है, आई एम अवेयर ऑफ चेक रिचार्ज चार्जेस ऑफ एप्लीकेबल, इस पर आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। दोस्तों दोनों पे टिक आउट करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट डिलीवरी एड्रेस आपको पूछा है, तो आपको यहाँ पर सिंपली दोस्तों अपना जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, या रजिस्टर्ड एड्रेस हो या लास्ट डिस्पैच एड्रेस अगर आप दिए हो, या न्यू एड्रेस आप देना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसको आप मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर्ड एड्रेस, जो आपके अकाउंट में ऑलरेडी जो एड्रेस रजिस्टर्ड है दोस्तों उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ पूरा आपको यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, पूरा डिटेल आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर सारा आपको डिटेल एक बार चेक कर लेना है, रिक्वेस्ट चेक बुक, यहाँ पर सारा सेविंग अकाउंट क्या क्या सारा कुछ यहाँ पर चेक कर लीजिए, सब कुछ करेक्ट है, कंफर्म करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों आप कंफर्म कर लीजिए, सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आपको मैसेज आ चुका है कि थैंक यू, योर चेक बुक रिक्वेस्ट विद रेफरेंस नंबर दिस हैज बीन एक्सेप्टेड। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपका चेकबुक रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट हो चुका है दोस्तों, 10 से 15 दिन में दोस्तों आपका चेकबुक जो है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर दोस्तों डिलीवर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में मोबाइल से दोस्तों आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। जब दोस्तों आप चेक के लिए अप्लाई कर देंगे तो कुछ अमाउंट जो है दोस्तों वो आपको चार्ज किया जाएगा दोस्तों, जैसे हर बैंक का अलग अलग चार्जेस है दोस्तों चेकबुक इशू करने के लिए दोस्तों। तो जैसे आपका स्टेट बैंक का 88 रुपीज़ है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कितने पेज का चेकबुक जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे दूसरे बैंक का भी दोस्तों चार्जेस अमाउंट है, तो हर बैंक का अलग अलग चार्जेस अमाउंट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ नॉलेज पसंद है, वीडियो पसंद है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बोले दोस्तों, और तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।